तो आप लोगों को पता ही होगा कि तो दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उसके लिए तहे दिल से सॉरी कहता हूँ। पहाड़ों में जाता है तो हर जगह पे होटल वगैरह नहीं रहता है। हम जा रहे हैं अपने मामा के घर ऐप से, जो कि अमेजोन ऐप आप लोगों को पता ही होगा, ए टू जेड सामान वहाँ पे मिलता है। वहाँ से जाने में भी अभी एक घंटा लगने वाला है। आज वीडियो बनाने के चक्कर में तो सब कुछ जाने वाला था, बट क्या कर सकते हैं, जो रूल में है वो है, हम कुछ तो कर नहीं सकते। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। सो गाइस, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। कैसे हो गाइस आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो में तो आप लोगों को पता ही होगा कि दशहरा भी शुरू हो चुका है, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैं घूमा था राजदेवी मंदिर जनकपुर का, जो कि काफ़ी अच्छी सजावट है वहाँ पे। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रात का भी सीन आप लोगों को दिखाऊंगा, बट मैं रात को रुका नहीं था, तो शायद इसके लिए मैं नहीं दिखा पाया, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया, और इंडिया क्यों जा रहा हूँ कि मुझे एक लेना है टेंट, जो कि आप लोगों को पता होगा कि कई लोग जो जाते पहाड़ों में जाता है तो वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करना पड़ता है, पहाड़ियों में रुकना पड़ता है, तो हर जगह पे होटल वगैरह नहीं रहता है, तो इसके लिए अगर कैंपिंग होगा तो खुद के लिए बेहतर होगा। तो इसी के लिए हम जा रहे हैं अपने मामा के घर, जो कि इंडिया में पड़ता है, तो इंडिया से सामान वगैरह मंगाएंगे ऐप से, जो कि अमेजोन ऐप आप लोगों को पता ही होगा, ए टू जेड सामान वहाँ पर मिलता है। सो वही हूँ जट्टी बॉर्डर पे, और यहाँ से अभी से निकलते हैं फटाफट से अपने मामा के घर, क्योंकि यहाँ से जाने में भी अभी एक घंटा लगने वाला है हमको। सो अभी मैं तो नेपाल ही में, नेपाल से अब जा रहा हूँ इंडिया, आप लोग चेक कर सकते हो, इसी रास्ते से मैं जाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी सब चीज़ रेडी हो चुका है, मेरा बाइक वगैरह सब चीज़ रेडी है, और फटाफट निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं रास्ते में क्या कुछ होता है, क्या सीन बनता है हमारे साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बाद बाकी मिलते गाइस, और बाद बाकी चलते गाइस, लेट्स गो। गाइस, मैं तो बॉर्डर पे वीडियो बनाते हुए आ रहा था, तो मुझे क्या हुआ, नेपाल बॉर्डर तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस कर ली थी, बट जब इंडियन बॉर्डर पे आए, इंडियन आर्मी वाले जो थे वो मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। गाइस, क्या ही बताओ, बहुत दुख लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, जो रूल में है वो है, हम कुछ तो कर नहीं सकते। तो गाइस, बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि इतना मेहनत से जो थे मैं वीडियो बनाया था, बट इतनी आसानी से उड़ा दिया। गाइस, मैं सोचा था कि रीस्टोर करके फिर से उसको ले आता हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा दुखी लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ गांव, तो देखते हैं गाइस रास्ते में क्या कुछ हो रहा है। दशहरा का मौसम भी चल रहा है अभी, तो कैसा दशहरा का तैयारी है रास्ते में, बाद बाकी तो आप लोग चेक कर ही लोगे, सो चेक करो तब तक। चेक दिस आउट, ये रहा हूँ गाँव, और हम लोग इंटर हो चुके हैं गांव में, तो जयनगर बासोपट्टी बेनी पट्टी, हम लोग इसी रास्ते से जा सकते हैं। बाद में कि आगे का रास्ता जो होगा दाया बाया होगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना, नहीं तो हिंदू के नाम पर धब्बा मत बनने देना गाइस। गाइस, ये चेक करो, ये है हम गाँव का बाज़ार। इंडिया में आप लोग छत पे भी बैठ सकते हो, बट नेपाल में दैट इज़ नॉट अलाउड, यू नो गाइस, क्योंकि नेपाल में जो होता है वो वायर जो होता है, बिजली का तार, वो बहुत ही नज़दीक होता है, तो इसीलिए। गाइस, धूल चेक कर रहे हो, कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, तो पहले ये साढ़े सर के पीछे ही होता था, बट अभी का स्थिति चेक करो, पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिपेयरिंग हो जाना चाहिए, बट पीच ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ गिट्टी बालुआ जो है रह गया है बाकी। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा जो है सड़कें देखने को मिल रहा है, चेक करो, बाद बाकी पीछे का जो सड़कें था वो थोड़ा सा ख़राब था। ये चेक करो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कलना, यहाँ से आप लोग कलना भगवान का दर्शन कर सकते हो। गाइस, जिस चीज़ को कलना नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, कलना जो है, कलना में एक मंदिर है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, तो मैंने यहाँ कलना का दर्शन किया है। यहाँ पे ऐसा है कि ज़मीन के भीतर जो है एक शिवलिंग है जो कि भगवान शिव जी का है, तो उसी में लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे पोखरी पोखर में स्नान करना होता है, और वहाँ पे एक इंडा है, तो इंडा में से उसको वहाँ से जल लेना पड़ता है, और वही जल भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं,
और जो भी आप लोगों को इच्छा मनोकामना है वहाँ पे आप लोग मांग सकते हो, आप लोगों का ज़रूर से पूरा हो जाएगा। तो आप लोग कभी फुर्सत का टाइम मिले, सोमवार का दिन अच्छा दिन होता है भगवान शिव जी को दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप कोई भी दिन दर्शन कर सकते हो, बट अगर आप लोग सोमवार के दिन जाओ तो थोड़ा बेहतर माना जाता है। तो कभी फुर्सत मिले तो चले जाना यार, आप लोग घूम लेना, मैं तो घूम चुका हूँ वहाँ पे। फिर से आज ही निकलना है हमको, क्योंकि बॉर्डर जो है 5 बजे बंद हो जाता है, 5-6 लास्ट 6 बजे तक नेपाल और इंडिया का बॉर्डर जो है वो खुला रहता है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इंटर हो चुके हैं बासोपट्टी, और ये आप लोग सीन चेक करो बासोपट्टी का, कुछ ऐसा व्यू है। ये भाई साइड लेगा लगता है, चलो इसी भाई को फॉलो करते हैं। यहाँ क्या इंडिया का बस जो यहीं पर लगता है। सो फाइनली गाइस साइड तो अपना मिल चुका है, चलते हैं फटाफट से। ओ भाई साहब 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 साहब, बट हम लोग बासोपट्टी से भी आगे निकल चुके हैं और अब डायरेक्ट चलते हैं मामा के घर। नेपाल में जो चीज़ 1000 का मिलता है वो इंडिया में 500 का मिलता है, 600 का मिलता है, तो ऐसा कुछ है। तो इसीलिए मैं नेपाल में बहुत सारे जगहों पर जो हूँ कैंपिंग टेंट जो हूँ देखने, कैंपिंग टेंट खोजने गया था, बट किसी भी जगह पे मुझे मिला नहीं हो। तो यहाँ तक कि मैं नेपाल इंडिया बॉर्डर भी चेक कर लिया अच्छे तरीके से, बट वहाँ पे भी नहीं मिला। तो सोचा कि चलो अब इंडिया से ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इंडिया से अब घर पे, इंडिया से घर तक पहुँचा देते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे इसी रास्ते से जाने वाले। यहाँ पे पन्नी में था तुम लोग, यहाँ से भी घर दिख रहा है। ये जो आप लोग आगे घर दिख रहे हो ये व्हाइट वाला नहीं, इसी साइड वाला। हाँ तो बस यही वाला घर है हमारे मामा श्री का। तो चलते हैं देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन होता है नाना जी का। चेक दिस आउट, हम लोग आ चुके हैं दुकान में और चेक करते हैं सामान है कि नहीं है, उसके बाद निकलना भी है अपना घर। तो फटाफट से पूछते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कई तरीके आओ तो यही मीटर लेने के लिए रुका था, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सामान अभी नहीं आया है, 2-3 दिन के बाद जो है सामान आएगा, तो तब तक रुकना पड़ेगा। एंड मैं सामान भी ऑर्डर किया हूँ, उसका भी दो तीन दिन का टाइम दिया है, तो सोचा कि चलो दोनों चीज़ एक ही बार ले लेंगे। तो इसीलिए मैं निकल चुका हूँ अभी यहाँ से, दिन का वक्त इसीलिए लाइट यहाँ पे प्रॉपर से नहीं दिख रहा है, बट जब शाम होगी तो। गए जहाँ पे मंदिर था आप लोग दर्शन कर लिए होंगे, अब एक ही बार जब मिलेंगे एक बार दशई के बाद
क्योंकि दशहरे के बाद ही मैं आने वाला हूँ, क्योंकि हमारे नेपाल में भी बहुत भव्य रूप से दशहरा होता है, तो दशमी का मेला वहीं पे देखना है अपने नेपाल में बॉर्डर इलाके में। वैसे तो दो ठाम हमारे इलाके में रावण वध होता है, एक तो जनकपुर में और दूसरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर पे। तो आप लोग कहाँ का देखना चाहते हो गाइज, कमेंट कर देना। लेला इतना अच्छे से रिकॉर्डिंग हुआ था बॉर्डर पे, बॉर्डर का वीडियो, बट इंडियन आर्मी वालों ने निकाल ही दिया, वीडियो उड़ा दिया। अपना साइड आ गया गाइज, बॉर्डर पे जाने से पहले पहले ही रिकॉर्डिंग हो जाए इसका ऑफ करना पड़ेगा। तो गाइज यहीं पे रोक लेते हैं।